नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिवाकर और मेरे चैनल दिवाकर डॉट्स में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ, आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से ऑनलाइन करके आधार कार्ड और पैन कार्ड को दोनों में लिंक करेंगे, तो इस वीडियो में आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप थोड़ा से भी समय निकाले और इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। बता दें कि मैंने इस पर दो वीडियो पहले से ही बना दिया हूँ, जो कि पेपर कटिंग के माध्यम से पहला वीडियो जो मैं आप लोगों को सूचना दिया था, उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो है किस तरीके से स्टेटस चेक करते हैं कि आधार कार्ड में लिंक पैन कार्ड है कि नहीं, तो वो तो सारा चीज़ बता दिया हूँ। लेकिन अब जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आधार कार्ड को और पैन कार्ड को दोनों में किस तरीके से लिंक करते हैं, यानी कि आधार कार्ड में पैन कार्ड को किस तरीके से लिंक करना है ऑनलाइन खुद से, तो वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। और साथ ही मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा देना, ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वाले वेबसाइट पे आने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लिख देना इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लिख के आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर में देखने को मिल जाएगा इनकम टैक्स का ऑफिशियली साइट जो है, यहाँ पे होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्विक लिंक्स वाले ऑप्शन में आपको आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको लिंक आधार स्टेटस पे पहले से वीडियो ऑलमोस्ट डाल दिया हूँ, अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट देख सकते हैं कि किस तरीके से आधार कार्ड और पैन कार्ड में लिंक है कि नहीं, वो आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब आपको लिंक आधार करना है तो सिंपली आपको जो है लिंक आधार पर आपको क्लिक कर देना है। लिंक आधार पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिंक आधार वाला आइकन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखेंगे कि पैन नंबर मांग रहा है, उसके बाद आधार नंबर मांग रहा है, तो सिंपली आपका जो भी पैन कार्ड नंबर होंगे इसमें फिलअप कर देना, देन उसके बाद आधार नंबर को इसमें फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट पे आपको क्लिक कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे देख, यहाँ पे आपको सिंपली कंटिन्यू टू थ्रू ई पे टैक्स पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ई पे टैक्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे ई पे टैक्स का सारा आइकन खुल गया है। यहाँ पे देखेंगे कि पैन या पैन नंबर, यानी कि पैन कार्ड नंबर आप अपने यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद देन कंफर्म पैन नंबर पे सेम ही आपको फिल कर देना है, कंफर्म पैन कार्ड में और पैन कार्ड में दोनों में, जैसे यहाँ पे देख सकते पैन और कन्फर्म पैन दोनों में सेम ही पैन कार्ड फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप अपना मोबाइल नंबर इसमें फिल कर देना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया तो यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर आप दिए होंगे तो वो मोबाइल नंबर पे इस पर आपको मैसेज आ जाएगा, तो ओटीपी को इसमें आपको फिल कर देना है। जैसे कि मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है तो मैं इसमें फिल कर गया, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे फिल करके कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पैन नंबर देखने को मिल जाएगा, उसके बाद नेम जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सारा चीज़ देख लेना, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। फिर से कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि ई टैक्स का जो है, यहाँ पे आपको सारा टैक्स का जो है सभी, जैसे यहाँ पे इनकम टैक्स आप कटवाना चाहते हैं या SST CPT है, फी अदर पेमेंट या कोई अदर पेमेंट से करवाना चाहते हैं, यहाँ पे सिंपली आपको इनकम टैक्स चूज करना है। इनकम टैक्स पे आपको चूज करके प्रोसीड बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं असेसमेंट ईयर वाले आइकन पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि असेसमेंट ईयर पे आपको क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे फाइनेंशियल ईयर आ जाएंगे। तो आपको जो है यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर वाला यहाँ पे 2023 से 2024 जो है, ये आपको यही आपको फिलहाल अभी अगर कर रहे हैं तो यही आपको जो है सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको 2023 से 2024 को ही आपको सिलेक्ट कर लेना, अगर अभी कर रहे हैं जो भी अगर फाइनेंशियल ईयर वही सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट पे आपको चूज करना होगा, तो टाइप ऑफ पेमेंट में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि एडवांस टैक्स
100 द रिसिपिएंट 500, तो आपको सिंपली यहाँ पे जो है आपको अदर रिसिप्ट 500 जो है इस पे आपको क्लिक कर देना है। चूज करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है, यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको सारा पेमेंट जो है ये से ले करके ऐप को जोड़ा गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको 1000 का पेमेंट करना होगा, यानी कि 1000 रुपया का आपका चालान कटवाना होगा। उसके बाद आपको देन लिंक होने वाला है, तो आपको कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर देना है फिर से। अब यहाँ पे आपको पेमेंट वाला ऑप्शन आ चुका है। अगर आप यहाँ पे पेमेंट किस प्रकार से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, या डेबिट कार्ड से, या पेटीएम बैंक काउंटर से, या आरटीजीएस या एनईएफटी से, या पेमेंट गेटवे से, जो जिस भी से आप करना चाहते हैं उससे आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पेमेंट गेटवे है तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 बैंक शो करने लगे हैं, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो आप इन तीनों में से कोई भी चूज कर लेंगे, जरूरी नहीं है कि इन तीनों में से ही आपका अकाउंट हो तभी कटेंगे, नहीं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी आप चूज कर ले, उसके बाद पेमेंट कोई भी बैंक से हो जाएंगे। जैसे कि कैनरा बैंक में चूज करता हूँ, तो कैनरा बैंक यहाँ पे चूज कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू बटन से आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सारा चीज़ दिए हुए हैं। यहाँ पे कैनरा बैंक बैंक का नाम दिए हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे कि ₹1000 ओनली आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा, तो आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको डिक्लेरेशन पढ़ लेना है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे आई एग्री कर देना है, टर्म्स एंड कंडीशन है। यहाँ पे आई एग्री करके सबमिट टू बैंक पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपको खुल के आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि कार्ड से या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से, या यूपीआई से करना चाहते हैं, या व्हाट्सएप से, जिस भी से आप करना चाहते हो वो कर सकते हैं। जैसे आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, यूपीआई से करना, अगर यूपीआई आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह चलाते हैं तो इससे आप कर सकते हैं आसानी से। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैं सिंपली फोन पे मैं चूज करता हूँ, तो फोन पे मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप अपना यूपीआई आईडी इसमें फिलअप कर देना है। यूपीआई आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाइड लिखा गया है, तो अब आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक टाइमिंग चल रहा है, तो आपके जो है जो भी फोन नंबर, मोबाइल, जो भी फोन पे का फोन नंबर दिए होंगे, लॉगिन किए होंगे यहाँ पे वेरीफाइड, उस नंबर पे जो है फोन पे में गया होगा मैसेज, तो वहां से आप फोन पे से पेमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे देखेंगे कि मेरे मोबाइल में आ चुका है यहाँ पे। तो इसी तरह से आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको जो है थोड़ी देर वेट करना है, एक रिसीविंग निकल के आ जाएंगे, तो उस रिसीविंग को लेकर के रख लेना है।